तो आप सब, आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सब बहुत टाइम से मुझसे एक चीज पूछ रहे थे कि जीएसटी सुविधा अच्छी चीज है या बुरी चीज है, मतलब उसको लेके बेनिफिट है या नहीं है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके लिए मैं स्टूडेंट्स को मतलब शॉर्ट में गाइड करता रहता था, बट फिर मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए जिससे आपको उसकी रियलिटी के बारे में पता चल सके। अगर आप शॉर्ट में सिर्फ पूरी वीडियो देखना नहीं चाहते हैं और सिर्फ एक शॉर्ट आंसर चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि उसको लेके ऐसा कोई अच्छा बेनिफिट नहीं है। सो मेरा आंसर नेगेटिव ही रहेगा, बट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करता है कि वो आपके लिए सही है या नहीं, और नहीं अगर ले रहे हो तो क्या आपके पास ऑप्शंस है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं पूरी वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहली बात आती है जीएसटी सुविधा आखिर है क्या, जिनको पूरी तरह से नहीं पता है तो मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ। जीएसटी सुविधा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज है, जिसने गवर्नमेंट से क्या किया है, लाइसेंस ले लिया है एज ए जीएसटी सुविधा के। वो कंपनी क्या करती है, आपको कॉल कर करके परेशान करती है। वो आपको कहती है कि हमारा जीएसटी सुविधा, इसकी आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। उस फ्रेंचाइजी की फीस, अलग अलग फ्रेंचाइजीज की अलग अलग फीस रहती है, बट ऑन एन एवरेज मान के चलिए तो 30,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए तक की उसकी फीस रहती है, जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा फीस है। अब उसके बाद सिस्टम कैसे चलता है, कौन फ्रेंचाइजी ले सकता है इनकी, कोई भी ले सकता है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हर किसी को दे देते हैं, जिस जो पैसा देके इन्वेस्ट कर रहा है ले लो। अब इसमें क्या होता है कि आप क्लाइंट ढूंढेंगे, क्लाइंट्स को अपने पास बुलाएंगे, उन क्लाइंट का वर्क इनके थ्रू कराएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जीएसटी सुविधा की फ्रेंचाइजी ली है, आप मेरे पास आए एज अ क्लाइंट, मैंने आपसे वर्क लिया, मैंने कहा कि ठीक है आपको रिटर्न फाइलिंग करानी है जीएसटी की, ओके है। वो वर्क लिया और मैंने कंपनी को सारा डेटा फॉरवर्ड कर दिया। अब कंपनी सारी की सारी रिटर्न फाइलिंग उसमें कर रही है। कंपनी क्या करती है, जो जीएसटी सुविधा है वो बहुत नॉमिनल फीस पे लेती है, जैसे 200-300 ऐसा रिटर्न फाइलिंग की लेते हो, कुछ उससे कम में भी कर देती है। तो अब आपने फॉर एग्जाम्पल कस्टमर से 600 रुपीज लिए और आपने कंपनी को 300 रुपीज दिए, तो 300 रुपीज आपके सेव हो गए। इस केस में क्या हुआ, कस्टमर को भी बेनिफिट हो गया कि उनका काम हो गया, आपको अपना रिवेन्यू पार्ट मिल गया और कंपनी को तो रिवेन्यू हो ही गया। तो बात समझ में, पूरा सिस्टम वर्क किस तरह से करता है। अब बात आती है कि क्या ये अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, इसमें अगर आप चाहते हैं कि बस हाँ एक मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं और कुछ मुझे पैसा आ जाए और ओके है, 10-15 हज़ार रुपये कमाने में आप ओके हैं, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। अगर आप रियलिटी में ग्रो करना चाहते हैं और अच्छे क्लाइंट्स चाहते हैं कि आपके पास आए, सो फिर ये आपके लिए सुइटेबल ऑप्शन नहीं है। रीजन भी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ एक कमीशन एजेंट बन के रह जाते हैं। क्लाइंट आपके पास आए, आपको डिटेल्स पता ही नहीं है, अभी नॉलेज है ही नहीं कि क्या काम हो रहा है कैसे हो रहा है, आप सिर्फ उनकी डिटेल्स देते हैं, कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं, कंपनी आपको कमीशन पे कर देती है। तो आप सिर्फ एक सेल्स कमीशन एजेंट कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, आप वो बन के रह गए, आपको सीखने को कुछ नहीं मिला। अब सेकेंड पॉइंट, कस्टमर आपके पास आए, कस्टमर आपके पास जब आए तो उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कहा मुझे तो आइडिया नहीं है, आपने कॉल किया जीएसटी को, मतलब जीएसटी को, वो कॉल पे कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं। अब क्या कस्टमर कंफर्टेबल होगा, क्या नहीं होगा, डेफिनेटली कस्टमर अगर आपके पास आए हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप उनको गाइड करें, नहीं कि ये कि कॉल पे कोई उनको गाइड कर दे, वरना तो फिर वो किसी और के पास भी जाके करा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, वो कंपनी 200-250 रुपये में रिटर्न फाइलिंग का काम कर रही है, तो क्या क्वालिटी होगी, क्या वो उसमें उतने एफर्ट्स देगी, सारी चीज़ों को सोचेगी कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है, आईटीसी मिल गया है नहीं मिल गया, वो सब चीज़ें सोचेंगी क्या, डेफिनेटली नॉट। तो वो तो एक फिक्स फॉर्मेट में अपना काम करते चले जाएंगे, जो भी गलत हो रहा है सही हो रहा है उसको कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, रेपुटेशन खराब हो रही है तो वो आपकी हो रही है। अब कस्टमर की कोई गड़बड़ हुई, कस्टमर आपके पास आए, आप उनको कन्विंस भी नहीं कर पाओगे, उनको समझा भी नहीं पाओगे, क्यों, आपको कुछ आइडिया नहीं है हो क्या रहा है, ठीक है, आप कुछ सीख नहीं पाए तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे और आपके पास कभी भी प्रॉपर सही क्लाइंट नहीं आएगा, सिर्फ वो 500-600 रुपये वाला काम आप करते रह जाएंगे। तो ये इसके सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। प्लस आपने अगर 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए, उसमें मिला क्या आपको, आपको कुछ ऐसा अर्निंग पार्ट तो नहीं मिला ना, सिर्फ एक कमीशन के अलावा, उस 50-60 हज़ार रुपये को रिकवर करना ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाने वाला है। क्लियर हो रही है बातें? सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि जितने भी जीएसटी सुविधा है उससे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब बात ये आती है कि सर वो ऑप्शन नहीं है, हम टैक्सेशन में अर्न करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि टैक्सेशन में अर्निंग स्कोप बहुत अच्छा है, तो इसके लिए अब क्या अल्टरनेट्स आते हैं। सबसे पहला मोस्ट रिकमेंडेड अल्टरनेट, आप चीजों को सीखिए और खुद डेवलप करिए अपनी स्किल्स को। मतलब जो हमारे जीएसटी के, इनकम टैक्स के, इन सब के सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं, ये स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को करने के बाद, मैं उसमें पूरा गाइड करता हूँ, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या
फीस चार्ज करनी है, क्या फंड का नाम रखना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्यूशन होगा, सारी की सारी चीजें मैं उसमें कोर्स में सिखाता हूँ। तो वहां पे सीखने से क्या होता है, आपको पूरी नॉलेज हो जाती है, अब क्लाइंट को आप खुद हैंडल कर पा रहे हो, आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, कुछ भी क्लाइंट पूछता है तो आप उनको कन्विंस कर पाते हो और उनको अच्छे से गाइड कर पाते हो। जब अच्छे से गाइड करते हो तो क्लाइंट भी आपको एक्स्ट्रा फीस दे के जाते हैं, प्लस रेपुटेशन भी आपकी बढ़ रही है और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, 100% रिवेन्यू भी आप ही का, आपको किसी को पे भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इधर उधर करने से अच्छा है अपने ऊपर करिए, ठीक है, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी स्किल्स डेवलप करिए, फिर उसके बाद आप सेल्फ अर्निंग करिए, आपको किसी की GST सुविधा की फ्रेंचाइजी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक और ऑप्शन है इसमें अर्न करने का, वो सबके लिए ओपन नहीं है, वो है स्मार्शियस की फ्रेंचाइजी, स्मार्शियस की CA वर्क से रिलेटेड फ्रेंचाइजी। अब इसमें क्या पॉइंट है, ये मैं मेनली उनको देता हूँ, उन स्टूडेंट्स को जो अपना वर्क स्टार्ट कर चुके हैं हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज सीखने के बाद, उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, तो उनको ही स्पेशली ये फ्रेंचाइजी मिलती है, या फिर कोई ऑलरेडी वर्किंग में है जिनको नॉलेज है वो मिलेगी, मतलब जिनको नॉलेज ही नहीं है उनको ये फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, करेक्ट। क्यों, यहाँ पे मुझे कोई GST सुविधा रन नहीं करना है। तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको कहूंगा कि पहले कोर्सेज सीखिए, अपना करिए, और उसके बाद फिर अगर लगता है तो फ्रेंचाइजी के लिए ऑप्ट करिए, ठीक है। GST सुविधा शॉर्ट में कहूँ, मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फायदा है। बाय बाय।